हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यूपीएससी एग्जामिनेशन की डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, आईएएस एग्ज़ाम, आईपीएस, आईएफएस, सारे की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, सलेबस और ये क्या चीज़ है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग डीप डाइव करेंगे, काफ़ी डिटेल में जाएंगे। और मेक श्योर करना है आपको कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ ये स्पेशल चैनल बनाया गया है यूपीएससी से रिलेटेड या फिर आप करियर गाइडेंस से रिलेटेड। तो जो भी अपडेट्स आएंगी यूपीएससी से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। तो ये एक मास्टर क्लास कह सकते हैं आपको, आप इसे। और उसके अलावा अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेंसी चाहिए, किसी भी करियर गाइडेंस में चाहिए हो, यूपीएससी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वन ऑन वन करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो ही, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कुछ और आपके मन में डाउट हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो देन यू कैन डेफिनेटली बुक द अपॉइंटमेंट। चलिए, तो यूपीएससी के बारे में बता दूँ, हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। ओके, तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या होगा, ये एक एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ एक्सप्लेन्ड। ओके, एक्सप्लेन्ड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा पूरा। तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क्ड अमंग गवर्नमेंट एस्पिरेंट इज व्हाट इज़ यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये कॉमनली क्वेश्चन है। और यूपीएससी जिसे हम लोग बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहता है, कंडक्ट करता है, जिसे सीएससी बोलते हैं। सीएससी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये होता है एक एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो अलग अलग पोस्ट के लिए, कौन से पोस्ट के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस यानी इंडियन फॉरन सर्विसेज, और बाकी सारे अलाइड सर्विसेज हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो यूपीएससी का फेज होता है वो तीन पार्ट में होता है, थ्री फेजेस में होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स, जस्ट अ सेकंड, या यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, एंड देन ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर यूपीएससी इंटरव्यू। ओके, इसे नॉर्मली इंटरव्यू नाम से जाना जाता है, इंटरव्यू नाम से जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन जो है, जिसका नाम है सी एस ई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है यूपीएससी द्वारा। एग्जामिनेशन पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, जो ऑफलाइन होता है। नंबर ऑफ सर्विसेज 24 सर्विसेज होती हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट डिपेंड करता है, 6 अटैम्प्ट होते हैं जनरल के लिए, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात की है। नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली 720 से लेकर 1020 तक की होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है, डिपेंड करता है, हर साल का वैरी करता है, कौन कितने लोग हैं, कितने लोग छोड़े हैं, कितने लोगों की ज़रूरत है अकॉर्डिंगली। एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑनलाइन मिलता है। एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन मोर देन 8 से मैंने पढ़ा भी है 10 लाख तक के लोग, 10 लाख भी अप्लाई करते हैं हर साल। कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा इसमें, यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ये तो अलग अलग है। और यहाँ पे तो हम लोग फिलहाल जो है सीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम लोग पर्टिकुलरली सीएससी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये ईएससी अलग से होता है, और इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस एग्जामिनेशन आईएफओएस, वो अलग से होता है यहाँ पे। और यूपीएससी कौन कौन से कंडक्ट करती है बॉडी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एग्जामिनेशन ये सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड स्टैटिकल सर्विस आईएएस आईएएस, कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन, कम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस SCRA, और लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सेलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव इन CISF। ओके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। यूपीएससी के द्वारा डिफेंस सर्विसेज में नेशनल NDA यानी NDNA क्या होता है, NDNA पार्ट टू भी होता है, CDS कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम 1 एग्जाम 2 दोनों के दोनों होते हैं। अब यहाँ पे सीएससी जो है वो तीन स्टेजेस में होता है। सीएससी फर्स्ट जो होता है वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड जो है मेन रिटन एग्जामिनेशन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी एमसीक्यूज रहते हैं इसमें। ओके, एमसीक्यूज यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन है, और थर्ड जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू है। ओके, तो ये फाइनल होता है, इसके बाद आपके मार्क्स के ऊपर रिजल्ट आता है, एंड देन आपका सेलेक्शन होता है। ओके, यहाँ पे आपका सेलेक्शन ऐसे होता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है यार, यूपीएससी के जो सबसे आईएएस होते हैं, जो प्रेस्टीजियस है, इसे हम प्रेस्टीजियस बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, बहुत सारे लोग इसको लिए भागम दौड़ रहती है। इसकी जो एज लिमिट है 21 से लेकर 32 की एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन एक्स पर कैटेगरी है, वो आपको नीचे मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। ओके, UGC approved, alright? चलिए,
अब नेशनलिटी अगेन डेफिनेटली इंडियन ही दे सकते हैं, इंडियंस के अलावा कोई नहीं दे सकता, तो इसके लिए आपको इंडियन होना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से होते हैं यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 200 होंगे, दो घंटे का पेपर होगा, द स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर कट ऑफ। ओके, पेपर टू में जनरल स्टडीज होता है जिसे सीसैट बोलते हैं। ओके, इसमें 180 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 2 आवर्स होगा, क्वालिफाइंग नेचर कैंडिडेट को जो मिनिमम है वो 33% यहाँ पे सिक्योर करना होगा वो सीसैट में। अब यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम पैटर्न, यूपीएससी एग्जामिनेशन का पेपर ए बी सी अलग अलग रहता है, तो यहाँ पे पेपर ए की बात कर ले तो यहाँ पे कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होगा, कोई ना कोई एक इंडियन लैंग्वेज होगा आपका, 3 आवर्स का, टोटल 300 मार्क्स, क्वालिफाइंग नेचर डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे पेपर टू इंग्लिश होगा, 300 मार्क्स, क्वालिफाइंग डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे एसए जो होगा, एसए भी अगेन 3 आवर्स का होगा, जनरल स्टडीज 3 आवर्स, पेपर थ्री जनरल स्टडीज 2 3 आवर्स एंड पेपर फोर जनरल स्टडीज 3 आवर्स। तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपके मेरिट बेस्ड होंगी और डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा ये। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, पेपर 5 6 और 7। तो जनरल स्टडीज़ का है पेपर 4 जिसमें 3 आवर्स के होंगे, 250 मार्क्स मेरिट बेस्ड होगा, और पेपर 1 पेपर 6 जो है वो ऑप्शनल है, इसमें कोई भी ले सकते हैं, ये पेपर 2 ऑप्शनल। ओके, इसमें से कुछ भी लेना है आपको। सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम सिलेबस होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के लिए, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरी ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर होता है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज इसके बारे में होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, और बाकी सारी डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर जनरल स्टडी यानी जीएस पेपर 2 जो होता है वो कंप्रहेंशन और यहाँ पे पाप जो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है। जनरल मेंटल एबिलिटी जो है वो बेसिक न्यूमेरेसी की यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन मेन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइड, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये सब्जेक्ट्स के बारे में, यूपीएससी के बारे में सारी डिटेल्स थी। और इसके बाद आपको क्या होता है, कैसे होता है, पहले आप प्रीलिम्स देंगे, वहाँ पे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तो इंटरव्यू के लिए होंगे, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से सारा प्रोसेस होता है, इसका काफ़ी सिंपल है। और अगर कोई आपको और डाउट है जिससे आप उससे वन ऑन वन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे बुक करें कंसल्टेंसी, आप अपने टाइम फिक्स करें और वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे और वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की है, डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।